हेलो दोस्तों, काशी कृपना ब्लॉग में आपका स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे इस कड़ाके की ठंड में। ठंड तो सब जगह बहुत ज़्यादा ही है, बनारस में हमें लगता है बहुत ज़्यादा ही पड़ रही है। उतना ही कोहरा, उतनी ही ठंड, और उसमें ये सारे तीज त्यौहार, एनिवर्सरी, बर्थडे, ये सारे चीज़ का सेलिब्रेशन बहुत ही चैलेंजिंग हो जाता है। तो यहाँ पर मेरी कल 22 जनवरी थी, तो इस दिन हमारी शादी की सालगिरह थी, 25वीं शादी की सालगिरह है। तो यहाँ पर मेरी बड़ी जेठानी आ गई थी, मेरी नंद बैठी हैं, मेरे बड़े जीजा जी बैठे हैं, बड़ी नंद बैठी हैं, छोटी नंद बैठी हैं, ये सारे मेरे बच्चे भतीजियाँ हैं, जेठानी की बेटी है, मेरा बेटा है, और ये हम हैं। आप लोग देख सकते हैं, रेडी होके बैठे हुए हम और मेरे हस्बैंड, बिल्कुल सेम टू सेम कपड़े वियर किए हैं, एक ही कलर के। तो एनिवर्सरी है भाई, वो भी 25वीं शादी की सालगिरह है। तो यहाँ सब लोग बैठ के एक दूसरे का वेट कर रहे हैं कि सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं तो केक वगैरह काटेंगे। तो दीदी मेरी बहुत अच्छी हैं, बड़ी दीदी, और बहुत दूर से आई थी बेचारी सिर्फ मेरे लिए कि सेलिब्रेशन है भाई, 25वीं सालगिरह है तो आना ज़रूरी है, नहीं तो इसको टाल भी सकती थी। और उतनी ही कड़ाके की ठंड थी, तो इतने दूर से वो और बड़े जीजा जी आए, तो हमें बहुत खुशी मिली इन दोनों लोग के लिए कि इतने दूर से मेरे लिए आए ये लोग। ये मेरे छोटी बहन के हस्बैंड हैं, बैठे हैं, ये भी बहुत दूर रहते हैं, तो बनारस में लंका है BHU के पास, वहाँ से आए थे। आना जाना ही तो मुश्किल है ठंड में, और ऊपर से कल 22 जनवरी थी, तो रामचंद्र जी के लिए जगह जगह भीड़ और जुलूस वगैरह भी निकल रहे थे। तो यहाँ पर आ गई मेरी बड़ी बेटी, ये मेरे पड़ोस में भैया रहते हैं, उनके दोनों बेटे हैं, तो वो दोनों आ गए थे। तो अब धीरे धीरे पब्लिक आ रही है, मेरे जितने भी गेस्ट हैं वो आ रहे हैं। तो यहाँ ये दोनों बच्चे आए थे, फोटो कराए, यहाँ पर आ गई छोटी बेटी, दामाद जी आ गए और बेटी जी आ गई भाभी। तो अब धीरे धीरे सब आ रहे थे और सेलिब्रेशन शुरू होने ही वाला है। सेलिब्रेशन में बहुत मजा आया, पूरा देखिएगा, एंड तक देखिएगा, बहुत मजा आया। ठंड तो क्या हो गया, ये मनोरंजन, ये फैमिली का गेट टुगेदर बहुत अच्छा लगा। परिवार एक साथ मिलते हैं ना, बहुत अच्छा लगता है। जीजा जी बैठे हुए हैं और ये हमारी विद्या लोग आगे पीछे सब इकट्ठा हो रहे हैं। अब शुरू होगा सेलिब्रेशन, तो जरूर ब्लॉग को पूरा देखिएगा, बहुत ही मजा आया था कल, तो बहुत ही बढ़िया लगा था। और ब्लॉग को पूरा देखिएगा, मिस मत करिएगा। यहाँ हम लोग सब लोग इकट्ठा हो गए और बैठे थे, हंसी मजाक सब चल रही थी। बेटियाँ हैं, मेरी छोटी सिस्टर है, बहुत ही प्यारी है, बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा ही सपोर्टिंग है, बहुत सपोर्ट करती है ये, तो हम दिल से इसको बहुत मानते हैं। वाकई में ये बहुत अच्छी है, और मेरा चाहे ये पास में हो चाहे दूर हो, मेरा हेल्प बहुत करती है ये। पास में आ जाती है तो इतना हेल्प करती है कि बता नहीं सकते हैं। तो ये मेरी दोनों बेटियां हैं, थोड़ा हंसी मजाक चल रहा था, मनोरंजन चल रहा था। यहाँ पे हम लोग ये शेयर कर रहे थे कि यहाँ पर हम लोगों को मेरी शादी की सालगिरह है, तो बच्चे इकट्ठा हैं, तो कैसा फील हो रहा है। भी बहुत ज्यादा खुश हैं कि आप लोगों ने 25 साल इतने अच्छे से गुजारे, आए कि भी आप लोग बहुत अच्छे इतने में से गुजारे मार का नाम है बाकी का रिव्यू बीच में डिस्टर्ब कर देते हैं। हाँ, आप अपना रिव्यू दीजिए। मेरी शादी सालगिरह में आई, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत ही ज्यादा। और आपको ये जानकर ज्यादा खुशी होगी कि इनकी शादी 25 साल और 5 साल है, 28 साल की है। अब इनसे पूछिए हम क्या बन गए, मेरी माँ बन गई। बहुत खुशी हो रही है, बहुत गर्व महसूस हो रहा है। किस बात में? आज हम प्राउड, आज हम। तो यहाँ अब हम लोग छत पे आए, तो सारा प्रोग्राम छत पे, रूम है और थोड़ा सा छत पे बहुत ज़्यादा खुला हुआ था, तो वहाँ पर हम लोग बोले थे कि सेलिब्रेशन करेंगे, क्योंकि छत पे ही एक साइड में खाना वगैरह बन रहा था और एक साइड में इधर हम लोगों का पार्टी शुरू होने वाला था। तो रूम है ऊपर, रूम में ही सारी तैयारियाँ हुई थी, क्योंकि एक ही जगह खाना बनता और एक ही जगह सब लोग खा लेते तो बहुत ही अच्छा लगता है।
तो इसलिए हम लोग छत पे ही सारा प्रोग्राम रखे थे, खुला था और ठंड भी बहुत ज़्यादा थी। तो यहाँ ये जो सारा डेकोरेशन देख रहे हैं, मेरे बच्चे किए थे, मेरे भतीजे किए थे, मेरी भतीजी की थी। तो ये सारे बच्चे बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो ये भाई, ये तो ये प्रोग्राम बच्चों का था, बच्चों ने किया था सेलिब्रेट हम लोगों के लिए। तो यहाँ पर बच्चों की ही सारी तैयारियाँ थी, सारी चीज़ें बच्चों की थी जो हम लोगों के लिए हमारे बच्चे किए, मेरी भतीजियाँ की। बहुत अच्छे हैं सारे बच्चे। तो केक वगैरह मेरे दामाद जी लेके आए थे, वो बोले केक हम लोग मम्मी को देंगे। तो मेरे दामाद जी केक लेके आए थे, बहुत ही टेस्टी, बहुत बढ़िया केक था। दामाद जी को और उनके पापा को भी आज सुबह मॉर्निंग में ही बाहर सफ़र करना था, बाहर जाना था, फिर भी वो लोग इतनी कड़ाके की ठंड में आए सिर्फ मेरे लिए और मेरे हस्बैंड के लिए। हमें बहुत अच्छा लगा। तो उनको 4 बजे भोर में ट्रेन पकड़नी थी, तो फटाफट यहाँ पर केक की तैयारी हो गई थी, बच्चे केक वगैरह रख दिए थे और हम लोग सेलिब्रेशन करने लगे थे। तो यहाँ आवाज़ को म्यूट कर दिए थे इसलिए कि स्पीकर चल रहा था, गाने वगैरह चल रहे थे, तो इसलिए हम आवाज़ को म्यूट कर दिए थे। तो यहाँ केक कट हो गया था और सारे लोग एक लाइन से खड़े थे, तालियाँ बज रही थी और विश कर रहे थे सब लोग। ये पल बहुत अच्छा था, बहुत ही प्यारा अनुभव था, क्योंकि हम दोनों लोग 25 साल ज़िंदगी के एक साथ बिताए हैं, एक साथ सुख दुख देखे हैं, उतार चढ़ाव देखे हैं, बहुत कुछ देखते हैं हम दोनों लोग। तो ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि भगवान हम लोगों का साथ ऐसे ही बनाए रखिएगा, हम लोगों की जोड़ी ऐसे ही बनाए रखिएगा और ऐसे ही हम लोग हर साल अपनी एनिवर्सरी मनाएं, बर्थडे मनाएं, एक दूसरे के साथ ज़िंदगी के हर पल को देखें हम लोग। और बच्चे हैं, बच्चे बड़े हो रहे हैं, वो लोग ये खुशी देख करते हैं, उन लोगों को पसंद है। हम पार्टी कैंसिल कर रहे थे लेकिन बच्चे बोले नहीं मम्मी करना पड़ेगा, क्योंकि ये 25वीं सालगिरह है तो इसको मत वो करिए। तो हम बोले कि ठीक है, नहीं तो और बड़े उसमें करना था, होटल में करना था, लेकिन ठंड इतनी ज़्यादा थी और सबकी सुविधा को देखते हुए हम बोले नहीं, घर में ही कर लेते हैं सेलिब्रेशन और थोड़े में ही कर लेते हैं, क्योंकि सबका आना मुश्किल था, क्योंकि कल अयोध्या का भी प्रोग्राम था तो पूरा देश उत्सव मना रहा था, तो आने जाने में भीड़ पब्लिक बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती। तो इसलिए हम बोले कि नहीं, आपस में ही घर पे कर लेते हैं। तो ज़्यादा किसी को नहीं, फैमिली मेम्बर ही थे, उन्हीं लोग को बुलाए थे और घर में ही सेलिब्रेशन किए थे। लेकिन बहुत अच्छा लगा क्योंकि परिवार साथ में था, बच्चे साथ में थे, बहुत ही बढ़िया ये लगा। तो जैसे ही केक कट हुआ, मेरा छोटा बेटा, भतीजा सब खड़े होके ऊपर, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, आतिशबाजी शुरू हो गई थी और बहुत देर तक चली ये आतिशबाजी। और ये डेकोरेशन देखिए, मेरा बड़ा बेटा किया है, मेरी भतीजी की है। तो अब यहाँ पर आ गई है केक कटने के बाद फ़ोटोशूट की बारी। तो यहाँ वीडियो भी बन रहा था, फ़ोटो भी क्लिक हो रहा था। तो ये मेरी छोटी बहन, आप देख सकते हैं इसका केयर, मेरे फेस पे कुछ लगा हुआ था तो उसको निकाल रही थी, हटा रही थी। और ये उसके हस्बैंड बहुत ही अच्छे हैं, इनकी जितनी भी तारीफ़ कर रहे हैं हम कम हैं, बहुत अच्छे हैं इसके हस्बैंड। तो यहाँ बच्चे बम पटाखा बजा रहे हैं, हर्षोल्लास हो रहा है, बहुत ही मज़ा आ रहा था। तो लग ही नहीं रहा था कि ठंड है क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ भी हो गई थी, घर के ही लोग थे, लेकिन बहुत मज़ा आया था। तो यहाँ बड़ी दीदी और जीजा जी थे, उन लोगों के साथ फ़ोटो क्लिक कराए। ये बड़े नंदोई हैं मेरे, तो ये बताइए इतनी दूर से आए हम लोगों के लिए, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू जीजा जी, दीदी, आप दोनों लोग को। यहाँ हम लोग फ़ोटो शूट कराए, वीडियो क्लिक कराए, बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ पर बहुत ही मस्ती हुई। उसके बाद फिर आगे देखिएगा, आगे और अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर मेरी छोटी नंद आ गई थी, छोटी नंद के साथ भी वीडियो क्लिक कराए, वो भी केक हम लोगों को खिलाई, हम लोग उनको खिलाए। बहुत प्यारी और बहुत अच्छी हैं मेरी ये भी नंद, बहुत अच्छी हैं। इनको आप लोग हमेशा मेरे वीडियो में कभी ना कभी तो देखते ही होंगे। और ये भी बहुत ही केयर करती हैं, बहुत अच्छी हैं, हम लोगों को बहुत मानती हैं, हम लोग भी इनको बहुत मानते हैं क्योंकि ये सबसे छोटी हैं। ये आ गई मेरी बड़ी जिठानी, ये भी बहुत अच्छी हैं। जिठानी आ गई थी मेरी, वो भी केक खिला रही थी, हम लोग भी केक खिला रहे थे और बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो इस तरह से ठंड ही थी तो कोई बात नहीं, लेकिन बहुत अच्छा लगा, परिवार इकट्ठा हुआ, हंसी मजाक मनोरंजन बहुत ही अच्छा लग रहा था। ये है मेरे दामाद जी, मेरी छोटी बिटिया।
तो दामाद जी की वजह से थोड़ी जल्दी कर दिए थे भाई, उनको भोर में ट्रेन पकड़नी थी, उनके पापा को भी ट्रेन पकड़नी थी। तो फटाफट यहाँ पर केक कट हुआ, थोड़ा सा सेलिब्रेशन हुआ, हंसी मजाक मनोरंजन, और बहुत देर तक ये चला, कम से कम 12-1 बज गया था रात में, और छत पे ही हम लोग थे। हाँ, आज सुबह थोड़ा लग रहा था कि ठंडी अच्छे से लग चुकी है हम लोगों को। ये आ गई मेरी बड़ी बिटिया, जिनकी अभी ही शादी हुई थी। तो यहाँ बच्चों के साथ खड़े हैं हम लोग, बच्चे बहुत प्यार से हम लोगों के साथ खड़े हैं, मेरा बड़ा बेटा, छोटा बेटा, मेरे दामाद जी, मेरा भतीजा, मेरी छोटी सिस्टर, ये मेरी जिठानी का बेटा है, ये मेरा छोटा बेटा है, बहुत ही चुलबुला, बहुत नटखट लड़का है ये, और बहुत ज़्यादा शैतान है। तो यहाँ हम अपने हस्बैंड को रोज़ दे रहे हैं, वीडियो क्लिक करा रहे थे, तो ये बुके दे रहे थे। तो इस तरह से हम लोगों का सेलिब्रेशन हुआ और बहुत मज़ा आया, एक दूसरे के साथ समय बिताए हम लोग, बहुत कुछ पल को याद किए कि वाकई में इतना जल्दी समय बीतता चला गया। ये मेरे संधि जी हैं और ये छोटी बिटिया की नंद है साथ में। तो इस तरह से हम लोगों ने सेलिब्रेशन किया, और सेलिब्रेशन अभी बाकी है जो हम डालेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तो नेक्स्ट ब्लॉग को देखना बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। नेक्स्ट ब्लॉग में डालेंगे कि किस तरह से हम लोगों ने इंजॉय किया, मस्ती किया, और बहुत ज़्यादा मस्ती किया। तो नेक्स्ट ब्लॉग कल आएगा, तो ज़रूर देखिएगा मेरे ब्लॉग को, लाइक कमेंट शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। और कैसा लगा ब्लॉग ज़रूर बताइएगा, मेरी एनिवर्सरी का ब्लॉग कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों नए ब्लॉग में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, और ठंडी से बच के रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। बाय।